लोगों को अपनी शादी का बेसब्री से इंतजार होता है। हर कोई चाहता है कि उसकी शादी धूमधाम से हो, लेकिन कई लोग परेशान हैं कि उनकी शादी नहीं हो पा रही। शादी न होने की कई वजह हो सकती है। कई लोगों की कुंडली में दोष होने के कारण भी शादी में देरी होती है और रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं। वहीं माघ महीने में गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा के 10 महाविद्याओं की पूजा गुप्त तरीके से की जाती है। ऐसे में गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन बेहद शुभ संयोग भी बन रहा है। उस दिन माता दुर्गा के रूप की पूजा विधि विधान से की जाएगी तो जातक की शादी की मनोकामना जल्द पूरी होगी। तो आइए देवघर के ज्योतिषाचार्य से जानते हैं कि उस दिन क्या शुभ संयोग बन रहा है और शादी विवाह के लिए क्या उपाय करना चाहिए। ज्योतिषाचार्य जी, माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत आज से हो चुकी है, तो जो जिनकी शादी में देरी हो रही है या फिर शादी का रिश्ता होते होते टूट जा रहा है, ऐसे जातक नवरात्रि के किस दिन क्या उपाय करें ताकि उनकी जो शादी का रिश्ता है वह सेट हो जाए। हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। इस बार जो 10 फरवरी से नवरात्रा प्रारंभ हुआ, गुप्त नवरात्रा, तो इसमें कुछ ऐसे कार्य करने से आपकी सहनाई जल्दी बज सकती है, यदि आप उपाय करें तब। करना क्या है, इस गुप्त नवरात्रा के दौरान अचला सप्तमी को, जिस दिन अचला सप्तमी है यानी 16 फरवरी शुक्रवार को, दिन भर उपवास करना है। और माता, उस दिन सप्तमी है, काल रात्रि की पूजा होती है उस दिन, तो काल रात्रि की पूजा जो होती है उस दिन आपको व्रत रखना है। और संध्या काल में यानी प्रदोष काल जब हो जाएगा, संध्या काल में माँ दुर्गा के मंदिर में जा करके आप 16 श्रृंगार का सामान दुर्गा जी को अर्पण करें, जिसमें सिंदूर अवश्य हो, और माता दुर्गा से यह कामना करें कि हमारा संबंध बहुत जल्दी तय हो जाए। और इसी धारणा के साथ यदि हो सके तो रात्रि का जागरण कर सकते हैं, नहीं तो उस दिन आप फलाहार करके रहें और अपनी कामना माँ काली से व्यक्त करें। 16 श्रृंगार का सामान अवश्य दुर्गा मंदिर में जाकर के चढ़ाएंगे तो आपका कार्य पूर्ण होगा। लोकली टीम देवघर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष के अनुसार है, लोकली टीम इसकी पुष्टि नहीं करता है।